अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग जो है उस टॉपिक को देखा था। अब देखिए, अभी तक जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस के साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और वो एक सीक्वेंस के साथ वही इंस्ट्रक्शंस क्या है एग्जीक्यूट हो रही हैं। जिस तरह से देखें, पहले लाइन नंबर 20, देन 21, 22, 23 एंड सो ऑन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें एक सीक्वेंस के साथ हम काम करते हैं। लेकिन अगर समटाइम्स हमें सीक्वेंस को इग्नोर करना पड़े तो देन क्या करें? मतलब कोई काम आपने करना है किसी कंडीशन के बेस पे। सपोज आपको स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए, ठीक है, मार्क्स दिए गए, और मार्क्स के बेस पे आपने स्टूडेंट का स्टेटस जो है वो बताना है कि स्टूडेंट पास है या फेल। अब पास है या फेल, इट मीन्स कि एक स्टूडेंट एक वक्त में या तो पास हो सकता है या फेल। मतलब एक वक्त में या तो कंडीशन चलेगी पास की या फिर कंडीशन चलेगी फेल की। इट मींस के इस तरह के स्नैरियो के अंदर क्या हो सकता है, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर यूज नहीं हो सकता। तो इस तरह के स्नैरियो में हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इट इज नोन एज कंडीशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडीशनल स्ट्रक्चर के किसी कंडीशन के बेस पे हमने काम करना है, किसी स्टेटमेंट को हमने चलाना है किसी कंडीशन के बेस पे और दूसरी स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इट इज नोन एज कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। अब नाम से अगर हम देखें, इफ मतलब अगर, अगर ऐसा हो तो देन क्या करो, कोई काम करो, अदरवाइज क्या है उसको छोड़ दो। तो ये हमारे पास क्या है, इफ स्टेटमेंट। तो किस तरह से इफ स्टेटमेंट काम करती है ये देखते हैं। अब मार्क्स वाले एग्जांपल ही ले लेते हैं। सपोज के इंटीजर एम, उसके बाद अब मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था कि इनपुट किस तरह से लेते हैं। इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर की क्लास क्रिएट करते हैं, इसका क्लास का एक ऑब्जेक्ट और न्यू स्कैनर, और इसके अंदर सिस्टम की क्लास में इनपुट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब स्कैनर की क्लास को राइट क्लिक करके या आर्ट एंटरप्रेस करके आपने क्या कर लेना है, इम्पोर्ट। मतलब कि कंपाइलर को हमने ये बता देना है कि ये क्लास है और इसकी डेफिनेशन है, इस यूटिलिटी से ले लो। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एस के नेम से, देन क्या करना है, हमने इनपुट लेनी है, और किस में इनपुट लेनी है, एम में। तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एनी नंबर। अगर इनपुट लेने का मेथड आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इनपुट किस तरह से लेनी। तो m equals, अब इंटीजर इनपुट लेनी है तो m equals ऑब्जेक्ट नेम विच इज s डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का मतलब है कि इधर इंटीजर वैल्यू एक इनपुट लो यूजर से और उसको किधर स्टोर कर दें, m में। अब इधर से हमारा जो काम है वो कंडीशन वाला स्टार्ट होता है। तो देखें, हमने कंडीशन लगानी है इफ स्टेटमेंट, जिसमें हमने बताना है कि स्टूडेंट पास है या नहीं। तो इफ अगर एम के अंदर जो मार्क्स हैं आर ग्रेटर देन किसके, 50 के। ठीक है, अगर मार्क्स जो हैं एम के अंदर जो मार्क्स हैं वो 50 से ज्यादा हैं तो क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यू आर पास। ठीक है, सिंपली। तो ये हमारे पास एक सिंपल कंडीशन है जिसमें हम इफ लिखेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे और अंदर रिलेशनशिप आ जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन। इफ एम के अंदर जो मार्क्स हैं आर ग्रेटर देन 50, अगर एम में मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो क्या करो, सिंपली प्रिंट कर दो यू आर पास। तो ये क्या है, ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है जो ऑलवेज हमें आंसर करेगी ट्रू केस के। ठीक है, अभी हमने कहा ट्रू या फॉल्स केस हो सकता है, वो हम फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल सिंपल इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, और इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, व्हेन कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन क्या है, ये लाइन नंबर 27 पे हमारे पास कंडीशन है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। तो प्रोग्राम रन करके देखते हैं, शिफ्ट F6 प्रेस करना है प्रोग्राम रन करने के लिए। तो देखें, सबसे पहले वेरी फर्स्ट लिखा आ रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया 12 और कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, तो सिंपली कोई भी आंसर जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। अब दोबारा फिर इनपुट लेके देखते हैं, तो दोबारा प्रोग्राम रन किया एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया 67, तो
देखें प्रिंट हो गया यू आर पास, इट मीन्स कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, जब मार्क्स 50 से ज्यादा होते हैं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर मार्क्स 50 से ज्यादा नहीं होते तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इफ कंडीशन। अब ऐसे करते हैं, देखें सपोज हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई और इस कंडीशन के बाद दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, एक हमने लिख दी यू आर पास और दूसरी हमने लिख दी यू आर फेल। अब दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एंटर एनी नंबर, तो इधर मैंने नंबर एंटर किया है 12, तो लिखा आ गया यू आर फेल। दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 67, तो लिखा आ गया यू आर पास यू आर फेल। इट मीन्स इधर हम समझना क्या चाह रहे हैं, समझना ये चाह रहे हैं कि जब तो कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन इन केस अगर कंडीशन होती है फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स होती है तो पहली स्टेटमेंट के अलावा जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास है सिंपल इफ कंडीशन, जिसके अंदर क्या है कि सिर्फ ट्रू केस के अंदर जो सिंपल इफ कंडीशन है वो आंसर करती है और फॉल्स केस को क्या कर देती है, इग्नोर। तो होप सो जो कंडीशनल स्ट्रक्चर में सिंपल इफ स्टेटमेंट है ये आपको क्लियर होगी होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।